साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय जय सियाराम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय कथाकार एवं समाज सुधारक परम पूज्य आचार्य मनोज अवस्थी जी महाराज के द्वारा श्री राम कथा। आचार्य श्री परम पूज्य श्री आचार्य स्वामी भगवतानंद जी महाराज के वरद कृपा पात्र शिष्य हैं और पूज्य आचार्य जी के मुख से अभी तक 780 कथाओं का वाचन हो चुका है। आइए श्रवण करें महाराज श्री के श्रीमुख से श्री राम कथा का। ये दशरथ जी महाराज का स्वभाव है कि दरबार में बैठते हैं तो शीशा देखते हैं। राय शोभाय मुकुर कर लीना। अच्छा, शीशा दरबार में देखना चाहिए, ये बड़ा समझने वाला गंभीर विषय लग रहा है। दशरथ जी की आदत है, स्वभाव है, दरबार में बैठते हैं तो शीशा देखते हैं। ऐसा नहीं है कि शीशा देखने में कोई बुराई है, हम लोग भी देखते हैं, टीका लगाते हैं, शीशा देखना पड़ता है, आप लोग भी देखते होंगे। अच्छा, कई लोग तो हमने देखा शीशे के इतने शौकीन हैं, साइकिल में शीशा, मोटरसाइकिल में शीशा, बाथरूम में शीशा, और कोई कोई तो यहां ऐसे भी बैठे हैं पैंट की जेब में शीशा। अरे जाने कितने अच्छे बने, अरे बने हो तो बने रहो, इस शीशा काहे को बार बार देखते हो। दशरथ जी का स्वभाव है दरबार में बैठ करके शीशा देखते हैं। अरे घर में देखो ठीक है, दरबार में देखने की जरूरत क्या है। लेकिन मैं इस पर गंभीरता से चर्चा करना चाह रहा हूं, इसीलिए विषय उठाया। मैं आपको भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप जहां भी रहें शीशे में देखना शुरू कर दें, बहुत ही जीवन के लिए उपयोगी बात है। लेकिन वो शीशा कांच का नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि दर्पण तो कांच का ही होता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, कांच का दर्पण सही नहीं बोलता है। तो फिर तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन दर्पण है, मन शीशा है। कांच के आईने में तो कभी ना कभी झूठ दिखाई देता है। कांच के आईने में जिधर दिखता है उधर नहीं होता है। अच्छा बोलो, कांच के आईने में मन आपका आंख किधर दिखेगा? सामने, होगा कहां? इधर। देखना उधर है, करना इधर है, कंघी करनी इधर है, बाल दिखता उधर है। तो कांच का आईना तो झूठ बोल रहा है। एक मन का दर्पण है जो कभी झूठ नहीं बोलता। आप दुनिया में सबसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने मन से कोई झूठ नहीं बोल सकता। आज तक कोई माई का लाल नहीं हुआ जो अपने मन से झूठ बोला हो। कई बार आपने पत्नी से झूठ बोल दिया, बच्चों से झूठ बोल दिया, लेकिन कभी अपने मन से झूठ बोला? कभी नहीं। अच्छा, तो आपने पत्नी बच्चों से झूठ बोल दिया? हाँ, जैसे पत्नी बच्चों ने कहा कि 11 बज गए, कहां थे? फोन नहीं लग रहा था, और उतनी देर से फोन नहीं उठा रहे थे, कहां थे? अरे कहीं नहीं थे, यहीं खड़े थे चौराहे पे। नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो, चौराहे पे थे ही नहीं, हमने देखा था चौराहे पे नहीं थे। आप पत्नी से भी झूठ बोल गए, बच्चे से भी झूठ बोल गए। अच्छा, फिर आप अकेले कमरे में लेटे थे, कोई नहीं था, और आपकी बातचीत हो रही थी, मालूम कैसे? वैसे बात तो गलत है अब, लेकिन चलो ठीक है, ठीक है, वैसे तो जाना नहीं चाहिए इतने बजे। अब पत्नी बोली, किनसे बात कर रहे? नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई। इसका मतलब अपने मन से बातें हो रही थी, इसका मतलब अपने मन के सामने गलती स्वीकार कर रहे थे आप। तो मन से झूठ बोला ही नहीं जा सकता। और यदि मन का दर्पण गंदा हो जाए, मन के दर्पण में धूल जम जाए, तो कैसे साफ होगा? कांच का दर्पण अगर गंदा हो तो थोड़ा सा पाउडर लगाइए, कपड़ा मार दीजिए, चमक जाएगा। और यदि मन का दर्पण गंदा हो
तो कौन सा पाउडर लगेगा, कैसे साफ होगा। बस अब हम बालकांड से अयोध्या कांड में प्रारंभ कर रहे हैं। अब अगर आप रामायण के नित्य श्रोता हैं, नित्य पढ़ने वाले हैं, तो आप समझ गए कि यहीं से अयोध्या कांड प्रारंभ हुआ। यदि मन का दर्पण गंदा हो तो कौन से पाउडर से साफ होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव के चरण की रज का पाउडर यदि मन के दर्पण में लगा दिया जाए तो बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारे। गुरुदेव के चरण की रज का पाउडर चाहिए जो मन के दर्पण को साफ करता है। और देखो एक और बात आपसे निवेदित करता हूं, गुरुदेव के चरण की रज का पाउडर ही है जो आपके मन को साफ कर सकता है। जैसे किसी को सब्जी लेनी हो, सब्जी तो कहां जाएगा, सब्जी मंडी में। अगर किसी को लोहा खरीदना हो तो लोहा मंडी में जाएगा। किसी को कपड़े खरीदने हो, बर्तन खरीदना हो, अलग अलग मंडी में जाएगा। अच्छा मान लो किसी को सब कुछ खरीदना हो तो कहां जाएगा, तो आजकल एक जगह हो गई है, बेवर में भी बन गई है शायद, मैनपुरी में तो शायद दो तीन हैं, लेकिन बेवर में भी कोई बता रहा था कि एक बन गई, उसको क्या बोलते हैं, मॉल, बिग बाजार मॉल। तो अब आप, मैं जो कह रहा हूं उसका संदर्भ क्या है, यदि मॉल में चले जाओ तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आज मैं आपको एक मॉल का पता बता रहा हूं। यदि आपको धन चाहिए, यश चाहिए, यदि आपको विद्या चाहिए, रूप चाहिए, यदि आपको एक चीज चाहिए तो किसी न किसी देवता के शरण में चले जाओ। विद्या चाहिए शंकर जी की शरण में, रूप चाहिए गंधर्वों की शरण में, अलग अलग देवताओं की आराधना है, बल चाहिए हनुमान जी की शरण में। और यदि आपको सारी दुनिया का ऐश्वर्य चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आप एक ही मॉल में चले जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। कौन, जय गुरु चरण रेन सिर धरही और तेजन सकल विभव बस करे। गुरुदेव के चरण की रज को सिर पे धारण कर लीजिए, सारे दुनिया का वैभव आपके बस में हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस कह रही है, अयोध्या कांड में दशरथ जी कह रहे हैं कि मोहि सन यह अनुभयउ न तुझे सब पायउ इन पाइन पूजे। मैंने सब कुछ पाया है, केवल गुरुदेव के चरण कमलों की पूजा की है। मोहि सन यह अनुभयउ न तुझे सब पायउ इन पाइन। मुझे सब कुछ मिला है केवल गुरुदेव के चरण कमलों की पूजा करने के कारण। तो ये गुरु जी की कृपा से आप चाहें तो सब कुछ, दुनिया का सारा वैभव आपके कदमों में होगा। आइए देखो इस कथा का संदर्भ, श्री गुरु चरण सरोज रज अवध कांड का प्रारंभ ही यहीं से हुआ। अब दूसरी बात पर आ जाओ, दशरथ जी के घर में चार बहू तीन सास। दशरथ जी ने कहा कि देवी विवाह करके बहू तो ले आए, लेकिन कुछ तुम्हें भी नकद देना है। तो नकद क्या है, बहू लरकिनी पर घर आई राखियू नयन पलक की। ये बहू तो हैं लेकिन लरकिनी हैं। लरकिनी शब्द कितना अच्छा लगता है, लरकिनी लरकिनी, जैसे आपके यहां कितना अच्छा मैनपुरी में बोलते हैं, बेवर में लली कितना अच्छा शब्द लगता है, छोटी है मनी लरकिनी। ये बहू हैं लेकिन लरकिनी हैं, पर घर आई, दूसरे के घर आई है। तो कैसे रखना है,
राखियो नयन पलक की नाई। ऐसे रखना है जैसे पलक नेत्र की रक्षा करता है। अच्छा, आंख में कभी कोई कूड़ा करकट नहीं जा सकता है। कब जाएगा? जब पलक कहीं धोखा दे जाए, नहीं तो पलक पहले ही झप्प हो जाएगा, आंख के भीतर कुछ नहीं जाएगा। तो बहू के ऊपर आंच तब आनी चाहिए जब कहीं सास से गलती हो जाए, और सास जब तक गलती नहीं करेगी बहू पे कोई आंच नहीं आएगी। अच्छा, कितना बड़ा नुकसान कर दे और लड़का कितने भी गुस्से में आए तो लड़का की गुस्सा कहां रुक जाएगी? तुम गेट पे खड़े होके कह दो, अरे हम ही ने है गो का करे, अब हमें बूढ़े हाथ पैर नहीं दिखाई पड़ो। बहू तो बहुत कह रही थी कि तुम ना उठाओ, हमें ही जबरदस्ती नहीं मानी, हमें ही ने टोर दो। ये लोग बेचारे की बच गई सब, उसका कुछ नहीं होगा। इतनी बात कहने में तुम्हें तकलीफ क्या? तुम्हें थोड़े कोई फांसी पे चढ़ा देगा, तुम कह दो। लेकिन तुम तो ऐसे कहती हो कि कफ फूटो नहीं, कि द्वारे आई नहीं, हमने रोटी नहीं खाई, हमें जितो दुख है जितो तकलीफ है, 20 रुपया को कप जाने फूट डारो। हाँ, मतलब ऐसे कहें कि मोहल्ला भर सुन ले। नहीं, बेबर की बात नहीं है, जमुना पार की बता रहे हैं, बेबर में थोड़े, मतलब तुम्हारी आदत में है कि तुम्हें तमाशा करना ही करना है। तब तक करेंगी जब तक वह बहू को 10-5 बातें कोई कह ना दे। तो ये ड्रामा क्यों करती हो? गलत बात है। अरे बच्चे हैं, मान लो तुम्हारी बेटी से नुकसान हो जाए तो है, वो भी बेटी है, गिर गया कप तो गिर गया, कौन सी कप में आफत हो गई? हमने 3 दिना से रोटी नहीं खाई और हमें तो अखर गो और 20 रुपया को तो हमारी अम्मा दो तो फल, इतनी दुनिया भर के ड्रामा कर, अरे फिर खरीद लो, मैं कोई मंडी बंद हो गई, बाजार बंद हो गया, ये गलत बात है। तरीका ठीक नहीं लगा हमको भाई, इसलिए हम कह रहे हैं। अच्छा, अब बात तो हमें अब बैठे तो इसीलिए है कि कहना तो आपसे कुछ है ही है, कहना ना हो तो हम आए क्यों हैं? इतने दिन बाद आए हैं तो कहना तो बहुत कुछ है। चलो ऐसे कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा, अच्छे भाव से कहेंगे तब समझ में आएगा। अच्छे भाव से कह रहे हैं, ईमानदारी से बताना, अच्छे भाव से, मेरे अंदर कोई भाव गलत नहीं। ये अम्मा जी लोग बैठी हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा इन्हीं से पूछ रहा हूं। जैसे तुम्हारी बेटी ससुराल में गई और ससुराल में 2-4 दिन, महीने 2 महीने रही, फिर लौट करके कोई बुलाने गया, मायके आ गई, तो शादी ब्याह के बाद गौने के बाद ये पूछा भी जाता है, बिटिया सब ठीक है? सास ससुर अच्छे हैं? अच्छे हैं। पति ठीक हैं? वो ठीक हैं। दामाद तुम्हारी बात मानते हैं? हाँ अम्मा, हमारी बात मानते हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इतना सुन के दुनिया में कोई माँ है जो दुखी होगी या प्रसन्न होगी? जल्दी बोलो, टाइम नहीं अपने पास, बोलना आपको पड़ेगा। आप दुखी होंगी या खुश होंगी? खुश होंगी। क्यों? बिटिया ने कहा कि दामाद हमारी बात मानते हैं तो आप प्रसन्न होंगी। वाह, धन्य है, हमारा मन है कि आपको प्रणाम करूं। वाह वाह वाह, मतलब आपकी बेटी कहे कि दामाद हमारे बस में है तो आप खुश होंगी, और तुम्हारे घरे जो बेटी आई है और वो कह दे कि लड़का हमारे कब्जे में है तो तुम्हें काहे आफत हो रही? तो काहे की आफत हो रही हमें बताओ, है नहीं? मानी आप दो मानक से समाज को चलाना चाहते हैं, कहां से हम आप प्यार से समझाएं? प्यार वाली बात ही नहीं आप समझना चाह रहे। मानी बिटिया को तुमने सिखा के भेजा है कि दामाद तुम्हारे रिमोट से चले, और बहू है एक शब्द ना कह पाए, लड़का हमारी कब्जे में रहेगा। अरे वो भी तो किसी की बिटिया है, वो भी तो किसी माता ने भेजी है, तो उसमें आप क्यों नियंत्रण रखना चाहती हैं? अगर बेटी को संस्कार नहीं दे सकते हो तो बहू से उम्मीद क्यों कर रहे हो? बहू को भी बेटी को भी सिखा के भेजो कि बेटा दामाद हैं तुम्हारे साथ, उनकी भावर पड़ी है, तुम्हारे पति हैं, लेकिन किसी ने 9 महीने पेट में रखा है। अगर वो 5,000 रुपया महीने में लेकर आए और 500 रुपया अगर माता जी की दवाई में खर्च कर दें तो कलेश मत करना, वो भी तो उनकी माँ है, ये सिखा के भेजिए। नहीं, अपनी बिटिया को सिखा के भेजा है कि डुकरिया मरे तो मर जाए, 5 रुपया ना देना, तुम्हें क्या दिक्कत है, मरने दो, ये सिखा के भेज रहे हैं आप। फिर आप समझ रहे हैं कि राम राज्य आ जाएगा? नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, बारीक बातें हैं, लेकिन जब कभी विचार करोगे हमारी जगह खड़े होकर कि आचार्य जी कह रहे हैं इसमें दम है, कहीं ना कहीं गलती हमारी है कि हमने बेटी को संस्कार नहीं दिया। बेटी भी किसी के घर की बहू बन के जा रही है, अगर बेटी को आप नहीं सिखा रहे हो तो फिर कैसे उम्मीद करोगे कि आप बहू अच्छी हो जाए? ये ठीक नहीं है, ये गलत हो जाएगा।
अभी आज ही कोई माई हमारे पास बैठी थी, बड़ा भीड़ था, इतना मुझे याद नहीं है कौन थी वो माई। वो कह रही थी महाराज अब है तो हमारी बहू बहुत अच्छी है, अब आगे भगवान जाने। तो हमने कहा आगे तुम ही बिगाड़ोगी, तुम नहीं बिगाड़ना काहे को, भगवान जाने, तुम ही जानो उसमें क्या दिक्कत है। अरे भाई अगर अभी ठीक है तो आगे भी ठीक रहेगी, आप संस्कारों का ध्यान रखिए तो ध्यान ठीक रहेगा। दशरथ जी महाराज ने कौशल्या से कहा कि देखो कौशल्या, ये जिनके घर की बेटियां हैं उनके घर के हिसाब से मैं चिंतन करता हूं, तो मुझे लगता नहीं है कि तुम इनको यहां इतना प्रेम दे पाओगी। तो क्या महाराज मैं जानना चाहती हूं कि ये जिस परिवार से मेरे घर में आई हैं तो इनकी माता ने इनके साथ कौन सा व्यवहार किया। दशरथ जी बोले कि विदा करते समय माता ने कहा था कि महाराज ये जो मेरी बेटी है इसको मैंने ऐसे रखा है, दीप बात नहीं टारन कहेऊ, जब इसके कमरे में दीपक जलता था तो बुझाने के लिए मैंने कभी भी नहीं कहा, क्योंकि हमें लगता था कि जब बेटी हाथ से दीपक बुझाएगी तो कहीं हाथ में चोट ना लग जाए। तो जिस बेटी ने अपने माता पिता के आंगन में जलते हुए दीपक की बाती ना बुझाई हो, अब वो बेटी ससुराल में, कौन दुनिया में ससुराल होगी जो बेटी को उससे ज्यादा प्रेम दे सकेगा। कौशल्या ने कहा स्वामी जी मैं आपको वचन दे रही हूं, अगर एक बार भी सुनैना की याद आ जाए तो हम जिम्मेदारी लेती हैं, हम इससे भी आगे इन बेटियों को प्रेम देंगी। तो कौशल्या से पूछा इससे आगे क्या करेंगी, जो बेटी अपने माता पिता के आंगन में जलते हुए दीपक की बाती ना बुझाई हो उसे आप क्या करेंगी। कौशल्या ने कहा ये कल पता लग जाएगा। दूसरे दिन जानकी माता अपने कमरे में सो रही थी और जब उनके जागने का टाइम हुआ तो रामचरितमानस कहती है कौशल्या उसके पहले जग गई और पलंग के नीचे खड़ी हैं। फिर क्या किया, जैसी सीता जी उठ करके बैठी वैसे ही कौशल्या ने एक काम किया, पलंग से ही उठा लिया, पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा, सियन दीन पग अवनि डोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा, पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, सियन दीन पग अवनी कडोरा। जानकी माता कौशल्या माता के बाहों के झूले में झूलती हैं, लेकिन सियन दीन पग अवनी कठोरा, उन्होंने कठोर जमीन में पांव नहीं रखा। आहा, सोचो कितना बड़ा सास ने प्रेम दिया होगा। अच्छा मान लो किसी की सास इतनी अच्छी मिल जाए तो फिर वो बहू क्या करेगी, वो बहू भी तो यही करेगी, दासी पीसे पानी लावे रोटी को एक रसोईन हो, वो भी तो करेगी। लेकिन ना ना ना, देखो धन्य है जानकी माता, उन्होंने अपनी सास माता से कहा कि आपका प्रेम वंदनीय है लेकिन आज के बाद हम जिस कमरे में रह रही हैं, जहां पर मेरे स्वामी रह रहे हैं, जहां पर मेरे माता पिता रह रहे हैं, तो इस पूरे ही जगह में कोई झाड़ू पोंछा वाला आज के बाद नहीं आएगा। यद्यपि गृह सेवक सेवकनी विपुल सदा सेवा बुद्धि गुनी, निज कर गृह परिचर्या करही रामचंद्र आयसु अनुसरही। माता जी उतनी जगह झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, अपने हाथों से अपने सास ससुर को, अपने प्रभु को, अपने देवता, अपने ईश्वर, अपने पति को स्वयं अपने हाथ से भोग लगाती हैं, भोजन कराती हैं। इसका मतलब पैसा भगवान दे बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसे का अर्थ ये नहीं है कि रोटी वाली अलग, बर्तन वाली अलग, काम वाली अलग, झाड़ू पोछा वाली अलग, फिर अस्पतालों वाली अलग, फिर तो अस्पताल को जाएगा। सोचो जब कुछ करना ही नहीं है तो उसके लिए भी दिमाग लगा लो, है ना। इसलिए पहले इतने काम होते थे कि जरूरत ही नहीं थी कि सवेरे टहलने जाओ, अब काम कोई करना नहीं चाहता, डॉक्टर ने कहा टहलने जाओ, अरे काम करिए ना, उसमें टहलने की जरूरत क्या है।
सवेरे इतने काम होते थे कि माता को फुर्सत ही नहीं थी, अब कोई कुछ करना नहीं चाह रहा है। तो ये जानकी माता स्वयं करती हैं। आनंद में पूरा घर आनंदित है। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार सब सहित समाजा राज सभा रघुराज राजा राय सुभाय मुकुर कर लीना बदन विलोक मुकुट सम बदन विलोक मुकुट सम बदन विलो मुकुट सम वदन विलोक मुकुट समकीना श्रवण समीप भय सित के सा श्रवण समीप भय सित के सा मन हूँ जरथ पन अस उपदेता श्रवण समीप भय सित केसा अब मनहु जरठपन अस उपदेशा। दशरथ जी ने देखा कि कान के समीप में बाल सफेद हो गए हैं और मानो बुढ़ापे का इशारा हो गया है। अरे कान के समीप में जो बाल सफेद हो जाते हैं इसका इशारा बड़ा सीधा है कि ये बाल कानों में कहते हैं कि देखो हमारा कलर बदल गया, इसका मतलब अब तुम भी होश में आ जाओ, पुरानी बातें छोड़ो, है ना। इशारा है कान के समीप में सबसे पहले सफेद होते हैं। एक आदमी कह रहा था जैसे भगवान के यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जैसे सूचना भेज दिया करें तो आदमी खेत बांट दे, घर बांट दे, बंटवारा कर दे, लेकिन पता नहीं भगवान सूचना ही नहीं देते, इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं। चलो खरे कोई सूचना देना चाहिए, तो हमने कहा सूचना तो आती है, कब आती है? तो हमने कहा तुमने ध्यान नहीं दिया, बाल काले थे उन्होंने सफेद कर दिए, इसका मतलब इशारा है कि पहला वारंट इशू हो गया, ये अब होश में हो जाओ, तैयारी करो, कहीं और चलना है। लेकिन आपने वारंट लिया ही नहीं, आपने तुरंत वापस कर दिया काली मेहंदी जिंदाबाद, फिर काले कर लिए। भगवान ने कहा अजीब आदमी है, अगर मान लो काले ही रखने होते तो हमने सफेद क्यों किए। फिर भगवान ने एक वारंट भेजा, कान से सुनाई कम कर दिया, उसने मशीन लगवा ली। भगवान तो ये वारंट ही भेज रहे हैं लेकिन आप लेने ही नहीं चाहते। तब भगवान ने अपने आदमी भेजे कि इसको पकड़ के ले आओ, ये आदमी अपने आप थोड़े ही मानेगा, ये वारंट है साहब, अब तो तैयारी करो, बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी ही अब जाए, तो अब की लाज बचाए ले उन्हीं कुल में दाग लग जाए, दोबारा ये मानो शरीर मिलेगा ये संभव नहीं है साहब, एक बार तो भगवान ने दे दिया है। दशरथ जी जैसा दिमाग लगाओ, दशरथ जी ने तुरंत निर्णय किया, नृपयुवराज राम कहाँ देहू जीवन जन्म सुफल कर ले हो। राम जी को राज्याभिषिक्त पद पर अभिषिक्त कर दिया जाए, राज्याभिषेक कर दिया जाए। जो पाचे मत लागे नीका तो देहु हरस ही राम टीका। अब यहां पर मैं ये बिंदु उठाना चाहता हूं, आप कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने लगन का शोधन किया, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। नहीं नहीं, रामचरितमानस ध्यान से आप देखें, गुरु जी के द्वारा
शोधन नहीं हुआ। अच्छा हाँ, हिंदी के दोनों शब्द हैं, एक साथ नहीं बोले जाते हैं। यहाँ सभागार में बहुत बहुत सम्मानित अध्यापक गण बैठे हैं, देख लीजिए आप, हिंदी व्याकरण में इन दोनों शब्दों को एक साथ नहीं बोला जाता है। गुरु जी ने बोले क्या, बेग विलंबन करी नृप, बेग माने जल्दी, अब विलंब माने देरी, एक प्रयोग होगा, या तो बेग या विलंब, दोनों प्रयोग नहीं होंगे। मैं कह के दिखा रहा हूं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा आपके, जैसे कोई कहने लगे जल्दी करो, इसका मतलब घटना नॉर्मल, और कोई कहने लगे जल्दी करो देर नहीं करो, इसका मतलब गंभीर बात है। तो गुरु जी ने कहा कि बेग विलंब न करिए नप, जल्दी करो देर मत करो, और साजी सकल समाज। गुरु जी हाँ आप तो कह रहे हैं, लेकिन पत्रा तो देखो, मुहूर्त तो निकालो, लगन तो देखो ना। गुरु जी बोले सुदिन सुमंगल तब ही, कब, जब राम हो ही युवराज। गुरु जी ने कहा कि राम जी के लिए सुदिन शोधने की आवश्यकता नहीं है, सुदिन सुमंगल तब ही, जब राम हो ही युवराज। अब यहां रामायण के विद्वान बैठे हैं तो दोनों अर्थ समझ लें। गुरु जी ने दशरथ जी से साफ शब्दों में वही कहा जो होने वाली घटना है। अब देखो गुरु जी के शब्दों की व्याख्या हम अलग कर दे रहे हैं। गुरु जी ने कहा दशरथ चाहे पंचांग निकलवा लो और चाहे दुनिया की ताकत लगा लो, लेकिन तुम अवध में सुदिन चाहते हो, सुमंगल चाहते हो, तो आज के बाद अवध में सुदिन सुमंगल नहीं होगा। कब होगा, सुदिन सुमंगल तब ही, कब, जब राम हो ही युवरा, वो तो उसी दिन होगा जब राम राजा बनेंगे। मानो गुरु जी संकेत कर रहे हैं कि अब अवध में 14 वर्ष कोई दिन सुदिन नहीं होगा, अवध में ग्रहण लगने जा रहा है। सुदिन सुमंगल तब ही, जब राम हो ही युवरा। एक और बात, इतनी तैयारियां करने के बाद, इतनी प्लानिंग करने के बाद दशरथ जी राम जी को राजा नहीं बना पाए, आखिर क्यों? इसका अर्थ आप ये इस भाव में न लेना, निकल आप प्रचार करने लगे कि वो आचार्य जी कह रहे थे कि दशरथ जी की गलती हो गई, नहीं नहीं, ये तो केवल लीलावत दृष्टि से, जो भगवान की लीला हो रही है उस दृष्टि से हम लोगों का मूल्यांकन है। बाकी वो तो परमात्मा है, उनको तो सब कुछ मालूम था कि ये सब घटना मेरे घर में होने वाली है, वो तो इसीलिए आए ही थे दुनिया में, तो इस भाव से आप उसको नहीं जोड़िएगा। लेकिन मूल्यांकन जो हम कर रहे हैं उस पर आप मनन जरूर करें, हमारे समझ में जहां तक आ रहा है वो आप सुन लो। साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले।